नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एफएम न्यूज। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम करने के बाद भारत आज पहला T20 मैच खेली। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में खेला गया। आज का T20 मैच भारत ने अपने नाम कर लिया। भारत ने कीवी टीम को 53 रन से हराया है। आज का ये मैच भारतीय टीम के लिए बड़ा लक्ष्य था। आपको बता दें, शिखर धवन और रोहित शर्मा के बीच रिकॉर्ड शतक की साझेदारी से भारत ने यहां आशीष नेहरा की विदाई मैच में 3 विकेट पर 202 रन बनाकर न्यूजीलैंड के सामने पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने के लिए कड़ा लक्ष्य रखा। धवन ने 52 गेंदों पर 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से 80 रन बनाए, जबकि रोहित ने 55 गेंदों पर 80 रन की पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल हैं। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 158 रन जोड़े, जो भारत की तरफ से किसी भी विकेट के लिए सर्वश्रेष्ठ साझेदारी है। विराट कोहली को डेथ ओवरों में बल्लेबाजी का मौका मिला और उन्होंने 11 गेंदों पर 26 रन बनाए। कोहली के आने के बाद भारत ने केवल 20 गेंदों पर 44 रन जुटाए। महेंद्र सिंह धोनी 7 रन बनाकर नाबाद रहे। भारतीय टीम ने पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ 200 से अधिक का स्कोर बनाया। कीवी टीम की तरफ से लेग स्पिनर ईश सोडी सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 25 रन देकर 2 विकेट लिए। क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए FM News को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।